आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Which of the following phenomena is applicable to the process shown in the figure? तो ये आपको figure दी गई है, ठीक है? इस figure में क्या है कि आपके पास यहाँ पे animal charcoal का column है, ठीक है? उसमें आपने raw sugar का solution डाला है जो yellowish brown color का है, और यहाँ पे आप देखोगे तो colorless solution of sugar हमको मिलेगा। तो इससे actually में हमको समझ में क्या आ रहा है कि जब हम रॉ शुगर का सोल्यूशन डाल रहे हैं जो कि येलोइश ब्राउन कलर का था और उसको एनिमल चारकोल के कॉलम से पास करा रहे हैं तो हो क्या रहा है, एडसॉर्प्शन हो रही है। ये जो येलो ब्राउन कलर है रॉ शुगर का वो एड्सॉर्ब हो रहा है एनिमल चारकोल में, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, रॉ शुगर को हम फिल्टर कर रहे हैं यूजिंग एनिमल चारकोल, ठीक है? तो ये जो येलोइश ब्राउन कलर है आपका रॉ शुगर का, येलोइश ब्राउन कलर जो होता है वो एड्सॉर्ब कर लिया जाता है एनिमल चारकोल से। तो एनिमल चारकोल जो है इस कलर को क्या कर लेती है, एड्सॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से आपका जो शुगर है वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है? तो उसको हम इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, वो फिनोमेना है आपका एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना, ठीक है? एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।